सभी को राम राम। वेलकम है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत ही खास टिप्स लेके आई हूँ, जिससे आपका काम बेहद आसान होगा और बिल्कुल भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, महिलाएं तो हमेशा चाहती हैं कि हमारा काम कम समय में हो जाए और बिल्कुल भी हमें मेहनत न करनी पड़े और हमारे पैसों की भी बचत हो। जिससे क्या होता है कि हमें काम करने के साथ साथ ना हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाता कि हम अपने लिए कुछ पाए। तो मैं आपके लिए बहुत ही एक खास टिप्स एंड हैक्स लेके आए हैं, जिससे आपका काम बेहद आसान भी हो जाएगा और कम समय में आपका काम हो जाए, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और खास बात तो ये है कि बिल्कुल भी आपका एक रुपया खर्च नहीं होगा। तो आज की हमारी बहुत ही खास टिप्स है, जिससे महिलाओं के लिए है, जिससे ठंडक का मौसम आ रहा है, उनका काम बेहद आसान हो जाए। तो चलते हैं अपने टिप्स की तरफ। आज की हमारी टिप्स क्या है, वीडियो में बने रहिए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि ये टिप्स उन लोग तक भी पहुंचे और वो लोग भी टिप्स का लाभ। इस तरह के एरोवेरा जेल को लेकर क्या होता है, हमारे पास बिल्कुल नेचुरल एरोवेरा था तो हमने ऐसे ही ले लिया है इसकी पत्तियां। इसको काट लेना है। ये देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप एरोवेरा जेल भी ले सकते हो, जैसे सबके घर में लगा होता है, किसी किसी के पास नहीं होता है तो वो जेल भी यूज कर सकते हैं जो बाद मार्केट से आता है। देखिए, हमने इसको बीच से काट लिया है और ये देखिए हमने एक पैन ले लिया है, जिससे ये हमारा किस काम में आएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही अच्छे लिए है, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, हमने एरोवेरा बीच से काट लिया था और इसके अंदर से हमने जेल को निकाल लिया है। ये बहुत ही आसानी से निकल आता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। तो ये देखिए, हमने इसको निकाल लिया था। ये देखिए, हमने एरोवेरा जेल पूरा निकाल लिया है। उसके बाद में हमको डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल, 2 स्पून के लगभग सरसों का तेल इसमें डालना है, जिससे क्या होगा, एक हमारा बहुत ही अच्छा ऐसा लिक्विड ये तैयार होगा ना, जिससे हमारा बहुत ही आसान काम हो सकता है, हमें बाजार से लाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल ये नेचुरल। उसके बाद में आपको 2 चम्मच कोकोनट भी ऑयल लेना है। दोनों चीजों को अच्छे से इसमें मिला लेना है। ये देखिए, हम किस काम में इसको यूज करेंगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये हमारा कितना अच्छा लिक्विड बनके तैयार हो जाएगा और हमारे किस काम में आएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद आप लोगों को ले लेना है एक कैंडल। उसके बाद में आपको कैंडल को भी अच्छे से निकाल के इसमें से जो इसके अंदर धागे हैं वो बिल्कुल भी नहीं डालना है, धागे को निकाल के डालना है। ये देखिए, तो हमने कैंडल को भी इसमें डाल दे रही है। फ्रेंड, जितना भी हमने इसमें मिलाया था, मोमबत्ती है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, एरोवेरा जेल है, उतना अब गैस पे रख के इसको हमको अच्छे से पिघला लेना, जब तक पकाना है जब तक ये जो इसमें मैंने मोमबत्ती डाली थी ये अच्छे से पिघल ना जाए और जितने भी हमारे तेल भी हैं और एरोवेरा जेल भी था ना, वो भी अच्छे से ये हमारा जब तक गल ना जाए तब तक हमको इसको पकाना है। इतना अच्छा सोल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा ना कि आप लोग भी सोच भी नहीं सकते हो। हमें बाजार से कोई भी चीज़ें लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने घरेलू और किचन के चीज़ों से ना हम इतना अच्छा प्रोडक्ट बना देंगे जिससे आपका काम बेहद आसान भी हो जाएगा और आपके पैसों की भी बचत हो जाए। तो हमारा इधर ये पक रहा है, देखिए कितना हमारा अच्छे से ये पक रहा है। अब ये देखिए, हमारा पक्के रेडी हो गया और एक हमारा अच्छा सा सोल्यूशन बन के हो गया रेडी। तो अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को किसी आपके पास कोई डिब्बी वगैरह हो तो आप उसमें इसको ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए, मेरे पास ऐसी डिब्बी थी तो मैं इसमें आपको ट्रांसफर करके दिखाती हूँ। और इसको ठंडा करने के लिए ना मैं थोड़ी देर इसको पानी में रखूंगी, जिससे क्या होगा ना ये हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए कैसे ये जम गया है, एक क्रीम जैसा बन गया है। अब इसमें किस चीज में यूज करेंगे, क्या होता है ठंडक आ रही है तो सबके ऐसे एड़ियां ना फटनी स्टार्ट हो जाती है और हम बाहर से महंगे महंगे प्रोडक्ट लेके आते हैं फिर भी हमारी एड़ियां सही नहीं होती। तो देखिए, जो हमने ये नेचुरल चीजें बनाई है ना, इससे आपकी एड़ियां इतनी जल्दी सही हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये इतना अच्छा यूज में आ सकता है। तो देखिए, आप लोग को क्या करना है, रात के समय में अपने पैरों को अच्छे से धोके उसके बाद में अपने एड़ियों में लगा के उसके बाद अपने एड़ियों पैर में ना सॉक्स पहन लेने हैं। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में उठ के देखोगे ना अपने पैरों के ना, इतना अच्छे से आपका पैर सही हो जाएगा कि बिल्कुल भी आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट हम बाहर से लेके आते थे और इस छोटे से ट्रिप से आपका पैर इतने अच्छे से सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप लोग भी अपने इन सर्दी के मौसम में यूज करके जरूर देखना और ये बना के रख भी सकते हो। पानी रख दिया है और उसमें डाल देना है मुझे तेज पत्ता। ये देखिए, हमने तेज पत्ते को डाल दिया है इसमें। इसको जब तक हमें उबालना है जब तक अपना तेज पत्ता पूरा कलर ना छोड़ दे और अच्छे से इसमें पानी में मिल ना जाए, जिससे अपना तेज पत्ता इतना अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और आपके लिए बहुत ही फायदा होता है। जैसे हम सब्जियों में डालते हैं तो हमारा तेज पत्ता ना सब्जियों के काम में आता है और बहुत ही अच्छा खुशबू देता है, ऐसे हम ये किस चीज में यूज करेंगे जिससे आपको मैं बताऊंगी। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जिससे आपका काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं। हमारा कैसे अच्छे से उबल गया है और हल्का हल्का पानी का कलर भी हल्का हल्का पीला हो गया। तो अब
इस तेज पत्ते को बाहर निकाल के भी फेंक देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस पानी को किस चीज में यूज करेंगे आप लोग बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं क्या होता है, सर्दी का मौसम चल रहा है तो बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग बिल्कुल भी नहाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि सर्दी गर्मियों में ही हमारे बॉडी से बैड स्मेल आती है और बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठंडियों में भी हमारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आती है और हम क्या करते हैं, ठंडियों में हमें नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन जब कभी भी अगर बच्चों को भी आपको या बड़े बूढ़े को किसी को भी नहाना हो तो क्या करना है, ये देखिए हमने जो पानी लिया था ना, वो बाल्टी में पानी को पहले से थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लेना है। उसके बाद में जो हमने तेज पत्ता वाला पानी डाला था ना, उससे आपको पानी में मिला के नहाना है, जिससे क्या होगा ना, हमारे शरीर में बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं रहेगी और शरीर से अच्छी खुशबू भी आएगी और बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। बहुत ही अच्छी टिप्स है, आई होप आप लोग को भी ये टिप्स पसंद आई होगी। और ठंडी के मौसम में तो आप तेज पत्ते वाला पानी तो जरूर यूज करिए, जिससे आपके शरीर की गंदगी तो साफ हो जाएगी ही जाएगी, आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। हमारी ऐसे स्वेटर को लेके क्या होता है, जब कभी भी हम स्वेटर पहनते हैं और फिर बाहर या वॉक करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमें कभी चाबी वगैरह रखना पड़ता है या पॉकेट में कुछ भी रखना पड़ता है और हमारे स्वेटर में पॉकेट नहीं होता, तो हम लोग सोचते हैं कि हम हाथ में पर्स टांग लेके जाएंगे तो हम वॉक कैसे करेंगे, या बहुत सारी ऐसी चीजें रखनी होती है जो हमें पॉकेट में अपने रखना होता है। लेकिन क्या होता है, हमारे स्वेटर में ना पॉकेट ही नहीं होते तो हम बहुत परेशान होते। तो मैं आज मैं बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपका पॉकेट का काम बहुत ही अच्छे से करेगा। तो आप लोग को क्या करना है, आपके घर में ऐसे छोटे छोटे पर्स जरूर होंगे, ज्वेलरी बैग होते ही होंगे जो कपड़े के होते हैं, और ये बहुत ही हल्का होता है और बहुत आराम से आप कहीं भी रख सकते हो, लगा भी सकते हो। लेकिन आपके इसमें पॉकेट ही नहीं है तो आप इसको रखोगे कहाँ। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बताती हूँ कि जिससे आपका काम बेहद आसान। तो आप लोग को ले लेना है एक सेफ्टी पिन, और आपके कपड़े का ये जो है ना बैग, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आप क्या करना है, आपको स्वेटर के अंदर अपने अच्छे से इसको सेफ्टी पिन की सहायता से लगा लेना है। ये देखिए हमने अपने स्वेटर में अच्छे से इसको लगा लिया है और बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसके अंदर पॉकेट या फिर कोई पर्स वगैरह लगाया है। जब हम इसको जिप क्लोज कर लेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और आराम से हम इसमें पैसे या घर की चाबी वगैरह रखनी है, हम इसमें रख के और जिप लगा के अच्छे से पहन सकते हैं और बिल्कुल भी आराम रहेगा, और बिल्कुल भी आपको अलग से कोई बैग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना, बहुत ही अच्छे टिप्स। आप लोग भी ऐसे अपने घर में यूज करके देखना और बेफिक्र होकर आप लोग अपने ग्राउंड में वॉक कर सकते हैं, ना तो बैग टांगने की झंझट है ना तो कुछ। बहुत ही अच्छी टिप्स है, आई होप आप लोग को भी पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी नेक्स्ट भी टिप्स क्या है, तो नेक्स्ट टिप शुरू करने से पहले, जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड अगली टिप्स आती है हमारी बर्तनों को लेके। क्या होता है, हमारे सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े रहते हैं और हमें धोना ही पड़ता है। ठंडक के मौसम में ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी हमें पानी छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि इतनी ठंड होती है कि बर्तन भी हमारे सारे ठंडे हो जाते हैं और हमें बहुत परेशानी होती है। तो आज मैं बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी जिससे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा और ठंडक के मौसम में बिना हाथ लगाए अपने बर्तन को धो सकते हो। तो क्या करना है, आपको पहले तो ले लेना है थोड़ा सा गर्म पानी और अपने बर्तनों के ऊपर डाल देना, जिससे क्या होगा ना, आपके बर्तन थोड़ा गर्म हो जाएंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगेगी और आपका बर्तन धोना भी आसान हो जाएगा। तो उसके बाद में आप लोग को क्या करना है कि आपको बिना हाथ लगाए, आप बिना पानी छुए आप अपना सारा काम कर सकते हो। आप लोग को क्या करना है, अगर आपके पास कोई ग्लव्स वगैरह हो तो आप ग्लव्स ले लीजिए, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आपके घर में पन्नी तो होगी ही। तो आप लोग को क्या करना है, अपने हाथ में पन्नी को पहन लेना है दोनों हाथों में, और अच्छे से उसमें लास्टिक लगानी है। आपके पास लास्टिक तो होगी, ये देखिए ऐसे आपको कोई रबड़ सा अपने हाथों में फंसा लेना है, जिससे क्या होगा, आपकी पन्नी बिल्कुल भी निकलेगी नहीं और बगैर छुए आप अपने बर्तन को धो सकते हो। देखिए पन्नी क्या होती है ना, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा और फटाफट अपने बर्तन को वॉश कर लोगे, बिल्कुल भी आपके हाथों में ठंड भी नहीं लगेगी और आप अपने बर्तन को अच्छे से साफ कर सकते हो। तो बहुत लोग सोचते हैं कि पन्नी तो स्लिप करती है, निकल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी अब यूज करके देखे हैं, बिल्कुल भी पन्नी फिसलती नहीं है और हमारे हाथों में ठंड भी नहीं लगती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनके हाथों में क्या होता है, कभी कभी बहुत लोगों के ऐसे हाथों में होता है ना कि हाथ में साबुन वगैरह लगने से ना हाथ में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो लोग भी ये टिप यूज करके अपने बर्तन को अच्छे से धो सकते हैं। और ठंडक के मौसम में तो ये टिप्स जरूर से यूज करें, तब कि आपके लिए ठंड भी नहीं लगेगी और आपका सारा काम भी हो जाएगा। तो देखिए इस टिप की सहायता से हमने अपने सारे बर्तन धो लिए और हमारे हाथ ना बिल्कुल सूखे हैं और बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है ना। बहुत ही अच्छी टिप्स, आप लोग भी अपने घर में यूज करके देखिए। कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड है जिससे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो आपको कौन सी मेरी टिप्स सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो, अगर थोड़ी सी भी मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन लोग तक भी ये टिप्स पहुंचे। और मैं अच्छी सी कोई टिप्स एंड हैक्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, सभी को राम राम एंड थैंक यू। अपना ख्याल रखना।